मेला लूट लिया ऐसा बेकार दिया, इससे अच्छा तो पहले वाला था। क्या बोल सकते हैं भाई, ये तो होगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यार PSL का गाना बड़ा VIP था भाई, 3 से 4 दिन में इस तरह गाना बनाना बहुत मुश्किल होता है, और अली जफर साहब ने करके दिखाया, ये गाना 3 दिन में बनाकर दिखाया। सब लोग कह रहे हैं कि यार गाना बड़ा PSL के हिसाब से नहीं है भाई, 3 से 4 दिन में यही आ जाए बहुत बड़ी बात होती है भाई। अली अजमत का भी अच्छा ही था, खैर उस टक्कर का नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन गाना बड़ा अच्छा था। अली जफर ने 3-4 दिन में बनाकर भेजा, वीडियो वगैरह बेहतरीन बनाई। आफाक भाई, आपको अली जफर का गाना कैसा लगा? सर मैंने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन मुझे आई एम श्योर कि अली अजमत से बहुत बेहतर होगा। दिस इज फजान, आई एम हियर टू गिव माई रिव्यू ऑन PSL सॉन्ग 2020 विच इज लॉन्च बिटवीन अली अजमत एंड अली जफर। Both are Pakistani singers and both of them perform very well. It's very difficult to me to give any credit or numbers any one of them. Being a Pakistani, we have to support both of them. Thank you. Gana expectation ke mutabik to nahi hai, lekin aap is cheez se judge nahi kar sakte kyunki 5 din bahut ek kam time hota hai aur usme bande ne aapko itni jaldi har cheez karke di, to mehnat hai uski, par expectation ke hisab se nahi hai, pehle wala zyada acha tha jo pichle season mein। सलाम गाइस, शान यार। तो बात हो रही है अली अजमत के PSL एंथम की और अली जफर के सॉन्ग की। यार अली अजमत जो हैं एक बहुत बड़े लेजेंडरी सिंगर हैं, वो चाहते एक बहुत ज़बरदस्त PSL एंथम तैयार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा हेट्स किया। PSL एंथम में बहुत ज़्यादा खिचड़ी कर दी, बहुत ज़्यादा लोगों को घुसेड़ दिया गया, जिसकी वजह से वो मज़ा नहीं आया उस तरह का। लेकिन अली जफर की अगर बात की जाए, उन्होंने जो भी सॉन्ग तैयार किया वाकई में मेला लूट लिया है, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है, कम टाइम पे बनाया है। भले वो क्या कहते हैं PSL से रिलेटिव नहीं है, लेकिन वाकई में बहुत ज़बरदस्त है, सुन के जोश आने लगता है, और मैं जो हूँ अली जफर के सॉन्ग को पसंद करूँगा। थैंक यू। मैंने अभी तक साफ सी बात है गाना सुना नहीं है, लेकिन जो उसकी हाइप क्रिएट हुई है, वो बंदा कामयाब हो गया अपनी आपको ट्रेंडिंग में लाने में। अब गाना कैसा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जहाँ तक मेरा जो मेरी सोच है वो ये है कि उसको अपने आप को ट्रेंडिंग में लाना था, जो वो कर चुका है।